brought to you by Techno Camon 30 series. स्ट्रॉन्ग रूम गणेश की है। हाँ, स्ट्रॉन्ग रूम देखना जरूरी है कि कितना स्ट्रॉन्ग है और अच्छे चारों तरफ अच्छी व्यवस्था है। सबका धन्यवाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अधिकारी लगे हैं, सब निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं ताकि पूरी दुनिया का ये जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा, सबसे बड़ा भी है और सबसे युवा भी है, तो पूरी दुनिया की निगाहें हैं। 100 करोड़ लोगों ने वोट दिया है तो देखने के लिए आए थे। अच्छी व्यवस्था है, सबका धन्यवाद है और सबको एडवांस में बधाई है। आपकी धड़कनें क्या कह रही है? एडवांस में बधाई है सबको। हमने तो 8 विधानसभाओं में अपने सभी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पार्टी के जो साथी हैं, उनका धन्यवाद कर दिया, धन्यवाद बैठकों के माध्यम से। कल प्रदेश की जनता का धन्यवाद करेंगे और जब सब लोग अपना आशीर्वाद दे देंगे तो फिर मोदी जी का भी धन्यवाद करेंगे। एग्जिट पोल क्या लग रहा है आपको? एग्जिट पोल 400 पार होगा। एग्जिट पोल ने थोड़ी कम दिखाई है सीटें। हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 11वीं मुख्यमंत्री जी जो बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं करनाल से, वो भी जीतेंगे और अच्छे मार्जिन के साथ ये सीटें हम लोग जीत करके केंद्र की सरकार में हिस्सेदारी पूरे हरियाणा की भी होगी और सिरसा की भी होगी। और जो मोदी जी का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, इस देश को आगे बढ़ाने का संकल्प, आप देख रहे हैं जब से एग्जिट पोल आया है सेंसेक्स ही इतना ऊपर चला गया है। तो देश तरक्की के रास्ते पर तो पहले भी चल रहा था और मजबूती से आगे बढ़ा है। राज्य सरकार उच्च अधिकारियों पे चाबुक चला रही है, फिर ट्रांसफर करने की बातें आ रही है, आज बड़ी चर्चित है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? तो गणना से ठीक पहले ये तो दबाव बनाया जा रहा है अधिकारियों, दबाव बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब लोग अपना अपना काम अच्छे से निभाए और सबसे बड़ी बात ये है कि नायब जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई बड़ा फेरबदल तो हुआ नहीं थी। तो फेरबदल तो कोई व्यक्ति जब आता है तो सारी चीजों को देख करके कौन सा अधिकारी कहाँ फिट बैठ सकता है। हाँ, अगर किसी की शिकायत है तो मैं समझता हूँ कि संविधान ये कहता है कि निष्पक्ष होकर के जिन लोगों का कर्तव्य बनता है, जिनकी ड्यूटी है पूरा पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाने का, अगर कोई पार्टी बन करके अगर कहीं किसी गलत तरीके से किसी का साथ देता है तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर तो जो उचित कार्रवाई बनती है वो होनी भी चाहिए ताकि सबका विश्वास हमारी इस व्यवस्था में भी हो, इलेक्शन कमीशन में भी बहाल रहे और लोकतंत्र में भी बहाल रहे। सर, आप 2 दिन से सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, तो कहाँ तक आपको हार जीत का अंतर नजर आ रहा है? नब्ज तो पहले ही टटोली, ये तो विपक्ष का जो चुनाव था वो हवाई था, जमीन पे तो कुछ था ही नहीं। और जब वोट पड़ी 25 तारीख को तो जनता ने एक तरफा जनादेश दिया, आशीर्वाद दिया और हम तो जहां भी फीडबैक लेने गए बहुत अच्छे मार्जिन के साथ मैं समझता हूँ कि ये सीट जीतेंगे और यही रुझान भी है और यही फीडबैक।